फ्रेंड्स, मैं आरती हूँ और टेंशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी दिवाली पे बची हुई खीर से नमकीन। ये नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब दिवाली में खीर बच जाती है तो अक्सर हम सोचते हैं कि इसकी कौन सी ऐसी रेसिपी ट्राई करें जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आए। तो आज हम बनाएंगे इसकी नमकीन। ये मार्केट की नमकीन से बहुत ही इसका टेस्ट अलग होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट बनकर तैयार भी हो जाती है। इसे आप 10 से 15 दिन तक किसी साफ कंटेनर में स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा बाउल खीर ली है, इससे मैं नमकीन बनाऊंगी। तो चलिए नमकीन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें खीर डालूंगी और खीर को लो मीडियम फ्लेम पे भून लूंगी। इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, इसे बस इतना भूनना है कि ये हल्का सा कुरकुरी हो जाए। यहाँ पर खीर को हमने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बिल्कुल कुरकुरी हो गई है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल डाला हुआ है, तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चूरा फ्राई करूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चूरा डालूंगी और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे फ्राई कर लूंगी। तो हम एक छन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। फ्रेंड्स, खीर की नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। प्रोसेस में हम और चूरा फ्राई कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारे चूरा फ्राई कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजों को तैयार कर लिया है। खीर को भी हमने रोस्ट कर लिया है और इसको फ्राई कर लिया है चूरे को। और यहाँ पे मैंने भुजिया ली है, मसाले वाली भुजिया। इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले लिए हैं, तो इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर लिया है, ये चाट मसाला। चाट मसाला हमें बहुत ही थोड़ा डालना है, हल्दी हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा मैंने काला नमक लिया है और लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने टेस्ट मेकर लिया है, इसको डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, एक बार इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारे मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई का तेल निकाल दिया है, इसमें 1 चम्मच तेल मैंने छोड़ रखा है। तो इसमें मैं हल्दी को भून लूंगी। तेल ऑलरेडी गर्म है, हल्दी को हम अच्छे से भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और अब मैं इसमें चूरा डालूंगी। और खीर डालूंगी। इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें भुजिया डालूंगी और इसको भी साथ में मिक्स कर देंगे। फाइनली नमकीन हमारी तैयार है। अब हम इसमें लास्ट में मसाले डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे
और फाइनली हमारी नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा मसाला हम इसमें और डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए हम एक प्लेट या बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, नमकीन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसे घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे किसी साफ कंटेनर में भरकर कम से कम 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो फाइनली नमकीन हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट या बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। नमकीन बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी जल्दी नमकीन बनकर तैयार हो गई है और इसका टेस्ट भी सुपर टेस्टी है। आप इसे एक बार बनाकर ट्राई जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।